सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्फोटेक हेमू में। तो आज फिर एक अमेजिंग वीडियो के साथ। तो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, मिलाने वाला हूं कूलर। सेलो का कूलर है गाइस, मिनी पर्सनल रूम के लिए जो कूलर होता है वो है। फीचर्स बहुत ही बेस्ट हैं, बिल्कुल सेम लाइक एसी की तरह है। एसी का सेटअप तो डिफरेंट होता है, लेकिन इसका सेटअप सेम एसी की तरह है। आप रूम आपका आधा घंटे में पूरा रूम ठंडा कर देता है। बहुत ही बेस्ट कूलर है। तो आज आपको उस कूलर से मिलाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, और उसके कुछ फीचर्स हैं जो मुझे अच्छे लगे हैं, उन सबको भी हम आपको मिलाने वाले हैं। साथ साथ मैं आपको उस पर रिव्यू भी देता रहूँगा, फीडबैक भी दूंगा। और एक महीने से मैं उसको रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ, जो अपने जॉब के टाइम पे मैंने लिया था। बिकॉज़ मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और यूपी में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है गाइस, और अभी इस टाइम भी बहुत ज़्यादा हैवी हाई टेम्परेचर है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो उसी के लिए कूलर एसी वगैरह लगाना पड़ता है। सो डजेंट मैटर गाइस, तो आज की जो वीडियो है वो हमारी सेलो कूलर पे रहने वाली है। जी हाँ, और कूलर बहुत ही बेस्ट है गाइस, और इसकी जो टैंक की कैपेसिटी है, वाटर कैपेसिटी है, 15 लीटर की है। मिनी कूलर है, मिनी एसी भी कह सकते हैं गाइस। और उसमें क्या खास दिया हुआ है, फीचर्स कैसे हैं, और वैसे तो एक नॉर्मल एज अ फीडबैक दूँ तो मैं सिंपली बता देता हूँ गाइस, बहुत ही बेस्ट कूलर है। एक महीना हो गया, कूलर के साथ में एक रिमोट दिया हुआ है, उससे सारे आप जैसे एसी का रिमोट होता है, सेम कूलर का रिमोट है। सारे सेटअप आप अपने रिमोट से कर सकते हैं। रिमोट की 10 मीटर की रेंज है। कूलर में आपके जो दिए हुए हैं बहुत सारी चीज़ें बेस्ट दी हुई है। तो चलिए गाइस, कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट और दिखाते हैं आपको कूलर, फिर आगे भी फीडबैक और ये रिव्यू आपके जारी रखेंगे। सो बनी रही वीडियो में एंड तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें ऐसी टेक अनुभव से रिव्यू से भरी वीडियोज़ के लिए। तो गाइस, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये है गाइस वो कूलर सेलो का, देख लीजिए आप एक बार ब्रांड। ये है वो सेलो का कूलर। ये इसका जो है वाटर जो कैपेसिटी है उसका मार्कर दिया हुआ है, इससे आप पता लग जाता है कितना वाटर अभी है कितना नहीं है। और ये देखिए फुल लाइक जो आपकी एसी होती है विंडो एसी, उसी की तरह पूरा सिस्टम दिया हुआ है इसका, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे बेस्ट इसमें जो फीचर्स हैं गाइस वो बहुत ही ऑसम है। अभी मैं आपको और सारे फीचर्स से मिलाने वाला हूँ। तो जो थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ, 15 लीटर की कैपेसिटी है, पर्सनल रूम के लिए है ये कूलर, एयर कूलर और मिनी एसी भी बोल सकते हैं आप इसे। इसके साथ एक रिमोट मिला हुआ है, इसके साथ एक रिमोट भी आया हुआ है गाइस। अब इसके ऑप्शन आपको मैं बता देता हूँ, देखिए इसके ऑप्शन जो है बिल्कुल जो डिजिटल सिस्टम दिया हुआ है ये इसके ऑप्शन है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे बटन्स दिख रहे होंगे, लाइक 5 बटन आपको दिख रहे होंगे, और उनके ऊपर राइड लाइट्स भी दिख रही होंगी गाइस। देखिए इसमें 3 मोड दिए हुए हैं फ़ैन के, आपका हाई मोड है, मीडियम मोड है, लो मोड है। और जो सेकेंड बटन है आपका कूलिंग का बटन है, यहाँ से आप जैसे ऑन करते हैं कूलिंग आपकी ऑन हो जाती है। पावर का बटन है बीच में, पावर का, पावर ऑन ऑफ आप यहीं से कर सकते हैं। आप जो फोर्थ बटन है गाइस वो स्विंग का बटन है, स्विंग जैसे ही आप ऑन करते हैं आपके जो फैन है जो फ्रंट पे ये जो लगी हुई है वाइट कलर की लाइंस, ये आपकी राउंड राउंड घूमने लगती हैं और आपका कूलर चारों तरफ आपको हवा देने लगता है। टाइमर भी दिया हुआ है गाइस, सबसे बेस्ट। देखिए मैं आपको जैसे बता रहा था, सबसे बेस्ट मुझे लगा था टाइमर का, लाइक आपको 1 घंटे चलाना है, 2 घंटे चलाना है, 4 घंटे चलाना है, टाइमर सेट करके आप सो जाइएगा, आपका कूलर उतने टाइम में चल के बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। फिलहाल तो अभी मैंने पावर ऑफ कर रखा है, तो देखिए यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रही है आपके पावर ऑफ की। बाकी आप ब्रांड की बात करते हैं तो सेलो आपका टावर प्लस है और 3 मोड। बाकी देखिए यहाँ पर जो है एक ऑप्शन और है, ये आपके वाटर लेवल का ऑप्शन है। जैसे आपका वाटर लेवल डाउन होता है, यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट ऑन हो जाती है कि आपका वाटर लेवल डाउन हो चुका है, इसको फुल करिए। ये है इसके एसी जैसा सिस्टम, यहाँ से आपका पानी वाटर फिल्टर होता है और इसको ठंडी हवा आपको मिलती है। तो उसके पीछे के भी मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे से गाइस, ये बहुत ही ऑसम है ऐसी। देखिए पीछे से जो है इसकी जाली लगी हुई है ताकि आपकी गंदी मिट्टी वगैरह ज़्यादा ना जा सके, और ये जाली प्रोटेक्ट करती है आपके, कोई कीड़ा अंदर ना जाए, कोई ज़्यादा धूल मिट्टी भी ना जाए, आपको ठंडी प्योर हवा भी देता रहे।
और नीचे इसमें जो है गाइस चार इसके और देखिए और राउंड घुमाने वाले पहिए भी दिए हुए हैं इसमें, और चाहे ले घुमा के आप किसी भी रूम में सेट कर सकते हैं। और यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है इससे अगर पानी आप जैसे भर रहे हैं अपने समर वगैरह से तो आपके जो है पानी ओवर हो जाता है तो यहाँ से निकल जाएगा। इसके मॉडल का लोगो लगा हुआ है, इसका बार कोड है, और यहाँ से पानी जैसे ही ओवर होता है 15 लीटर से यहाँ से ऑटोमेटिक निकलने लगेगा। और ये है इसकी जाली, जाली बहुत बेस्ट है गाइस। और बाकी मुझे बहुत सारी चीज़ें इसमें यही खास लगी हैं, सबसे अच्छा टाइमिंग का सिस्टम दिया हुआ है, और टाइमिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। टाइमिंग होती है तो आप 2-4 घंटे चला के ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, आप सोते रहेंगे नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर जैसे कि हम बात कर रहे थे ये पानी का है ऑप्शन, 15 लीटर की कैपेसिटी यहाँ पे आपका शो करता रहता है, अभी तो फुल है वाटर, ऐसे कम होता रहता है, यहाँ पे आपकी लाइन शो करती रहती है अभी इतना पानी है आपको फुल करना है। बाकी यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और इन्होंने खास दी है, आपने बहुत से कूलर में गाइस देखा होगा कि आपके यहाँ पे मतलब फुल जो है पंखे खुले रहते हैं, इसमें क्या है गाइस इसमें फुल पंखे खुले नहीं है, इसमें देखिए हाफ पोर्शन दिया होगा अगर आपको दिख रहा है तो। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिए, ये देखिए यहाँ पे आपको हाफ पोर्शन, ये बंद है ये खुला हुआ है, तो यहाँ से जो खुला हुआ ऑफ है यहाँ से हवा आती है, और ये हाफ है ये इसलिए दिया हुआ है ताकि जो कूलर हवा फेंकता है वो और तेज़ स्पीड से फेंक सके और आपको डायरेक्ट आपके हवा लगे, रूम में हवा लगे और कूलिंग ठंडी हवा लगे इस वजह से। बाकी इसमें फ़ैन के जो पंखड़ियाँ हैं वो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें इसमें सही लगी, अभी मैं 1 महीने से इसको यूज़ कर रहा हूँ, एज़ अ फीडबैक मैं दूँ तो सबसे बेस्ट कूलर लगा अब तक। और दूसरा एक लोहे का कूलर भी है और एक कूलर और है प्लास्टिक का ही हमारे पास, बट उसमें ऐसे फीचर्स नहीं है जो इस बार इसमें दिए हुए हैं, सारे आप कवर कर सकते हैं इसमें, आप बटन से कवर कर सकते हैं सब कुछ। अब रिमोट दिया हुआ है, चलिए आपको रिमोट मिलाते हैं, रिमोट से मिलाते हैं, बिल्कुल लाइक एसी की तरह वर्क करता है। ये है इसका रिमोट सेलो का, देखिए लिखा हुआ है सेलो, ये इसका रिमोट है, सेम इसमें भी बटन दिए हुए हैं 5, आपके पावर का बटन है, स्पीड, टाइमर, कूलिंग, स्विंग, तो ये आप यहाँ पे रिमोट से भी आप कवर कर सकते हैं इसको, दिखा देता हूँ। पीछे इसमें सेल पड़ते हैं, 2 सेल आप डालेंगे और बहुत लंबे टाइम तक आपके सेल वर्क करते रहेंगे। फ्रंट में जो है गाइज इसके लाइट होती है जो सेंसर को कवर करती है, और सेंसर मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो सेंसर ये देखिए ये लगा हुआ है यहाँ पे, ये है यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है गाइज, आपको दिख रही होगी एक लाइट, तो ये सारी चीज़ें रिमोट ही कवर कर लेता है, जिसकी 10 मीटर की रेंज है आपके रिमोट की। जैसे कि रिमोट से मैं आपको अभी कुछ चीज़ें ऑन करके दिखा देता हूँ, जैसे ऑन कर लेते हैं इसी को ही, देखिए हाँ 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 क्या ठंडी हवा दे रहा है भाई, बहुत मस्त। चलिए बंद कर देते हैं, यहाँ से आप स्विंग कर सकते हैं, टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं, स्पीड आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, तो सारा सब कुछ रिमोट से हो रहा है भाई, तो इससे अच्छा कहाँ कूलर आपको मिलेगा। तो मैं तो यही कहूँगा जो लोग परचेस करने जा रहे हैं कूलर भाई सेलो का परचेस कर लीजिए। प्राइस की अगर हम बात करें तो ये है 5,000 रुपये का, जी हाँ 5,000 में बहुत ही बेस्ट कूलर है, अच्छा कूलर है, परचेस कर सकते हैं। डिज़ाइन तो आप देख ही रहे हैं, और फिर सेलो ऑलरेडी एक ऐसा ब्रांड है जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं, तो हम भी सेलो पे ही ट्रस्ट करते हैं, पुरानी कंपनी है भाई, बोतल वगैरह का और बहुत सारे पेन हमने चलाए हैं इस कंपनी के, तो एक ट्रस्टेबल कंपनी है। फीडबैक की बात करें तो सब कुछ औसम है कूलर में, आप बेफिक्र होकर ख़रीद सकते हैं, और 2 साल की अंडर वारंटी के साथ भी है आपके साथ में आई थी, इसकी एक बुक आई थी, वारंटी कार्ड आया था, बुकलेट में सारे जो कैसे वर्क करता कैसे यूज़ करना सब कुछ लिखा हुआ था। यूज़ करना बहुत सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया बटन से यूज़ कर सकते हैं, टाइमिंग सेट कर सकते हैं, और आप बेफिक्र होकर ख़रीद भी सकते हैं, सब कुछ अच्छे से, हवा भी अच्छे से देता है एसी की तरह, आपका पूरा रूम कवर कर लेता है, 1/2 घंटे में पूरा रूम ठंडा कर देता है, खैर एसी तो नहीं है लेकिन वर्क सेम करता है ना, रिमोट वगैरह सब कुछ है। तो आपको ये वीडियो कैसे
कैसी लगी और ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आज सेलो कूलर के बारे में, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो लाइक कर दें भाई लोग, सब्सक्राइब करें चैनल को, ऐसी टेक अनबॉक्सिंग रिव्यू की वीडियो से जुड़े रहें हमारे चैनल इन्फोटेक है मुझे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगे तो यार प्लीज़ भाई लोग शेयर ज़रूर करिएगा। जो लोग सेलो का कूलर ख़रीदने जा रहे हैं उनको पता रहे क्या क्या फ़ीचर एडवांस हैं, क्यों बेस्ट है। एज अ फीडबैकर मैं आपको अच्छा ही फीडबैक दूंगा और चीज़ों का ऑनेस्ट फीडबैक दूंगा, और ऑनेस्ट फीडबैक के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं तो सेलो का कूलर बहुत ही बेस्ट लगा, हर चीज़ में बेस्ट है भाई। 15 लीटर की टैंक कैपेसिटी है, आपके सारे फीचर्स आप रिमोट से कंट्रोल हो रहे हैं, खाट पे या बेड पे बैठे बैठे सब कुछ आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपको उठने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे अच्छा क्या खास मिलेगा आपको। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे फिर आपको ऐसी नेक्स्ट टेक अनबॉक्सिंग रिव्यू से भरी वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना रखिए ध्यान।